हेलो एंड वेलकम टू दुबई, वेलकम टू जी कनेक्ट। पूरी कास्ट हमारे साथ यहाँ पर है बाबे भंगड़ा पौंदे ने की, और हम बहुत एक्साइटेड हैं मूवी के लिए। लेकिन मूवी पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। आपकी ईच वन आप लोगों की जर्नी के बारे में पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले दिलजीत, आपके पास आऊँ मैं? क्यों आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं सर, बड़े ना मैं बताऊँ उधर देखता। अच्छा हाँ जी, मगर मैं भी तुम्हारा फैन हूं ना, तुम्हारे तो शुरू नहीं, वो तो वेटरन है ही, लेकिन उनकी तो जर्नी, मतलब एक बार हमने शुरू की ना बात करना तो वो खत्म ही नहीं होने वाली है। बट थोड़ा थोड़ा फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सो दिलजीत, विल स्टार्ट विथ यू। वेल, आपको वैसे भी किंग ऑफ पंजाबी सिनेमा कहा जाता है, तो यू नो जस्ट इन अ जिस्ट आपके इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, जदों तुसीं स्टार्ट कीता सी उदों म्यूजिक तो स्टार्ट कीता सी, ते पहली फिल्म बिल्कुल नहीं सी चली, फ्लॉप सी। तो उदों प्रोड्यूसर्स ने कहना स्टार्ट करता सी कि जिहड़ा बंदा पग बंदा है वो हीरो नहीं हो सकता। तो मैं भी मान ली सी गल, मैं कहा हो सकता भी इदा, क्योंकि उस तो पहला कोई है नहीं सी जिहड़ा बंदा पग बंदा सी ते हीरो होवे, फिल्म च हीरो एज एन हीरो होवे। तो मैं भी मान ली गल, मैं कहा हो सकता, क्योंकि फिल्म भी नहीं चली। तो ये बंदे जो कह रहे ठीक ही कह रहे, उदों की कोई एग्जाम्पल भी है नहीं सी। पर उस दौरान मैं एक फिल्म होर करती सी, और रिलीज़ होने तो पहला एक फिल्म होर मेरी शूट हो गई सी, वो आके हिट हो गई। फिर मैं लगा, मैं ऐवें मारदे झूठ सारे, इदा की गल नहीं यार। कई बार कोई सबजैक्ट वधिया नहीं होवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, होर कोई गल हो सकती है। पर नहीं, मैं कहा यार लोग जो म्यूजिक सुनते हैं फिल्म भी पसंद करेंगे। बट फिर मैं बस काम करना स्टार्ट किया, तो मैं काम करता। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे सीरियस रोल करें या कॉमेडी रोल करें, आप दोनों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। यस, सही बात है ना? जी जी जी। सरगुन, आपके ऊपर आते हैं, फ्रॉम योर जर्नी हैज़ बीन फ्रॉम टेलीविजन सीरियल्स टू फिल्म्स। सो बिकॉज यू हैव सीन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, व्हाट हैज़ बीन मोर चैलेंजिंग फॉर यू, व्हाट डू यू प्रेफर मोर? नहीं, मैं प्रेफर तो ऑफकोर्स पंजाबी सिनेमा ही करती हूँ। मैं प्रेफर वैसे भी फिल्मा करती हूँ, मैनू टैलीविजन बहुत वधिया लगता है। मैं बहुत 7-8 साल टैलीविजन भी किया, बट सिर्फ आ सी कि टैलीविजन च बहुत मेहनत करने तो बाद कदे कदे मैं लगता सी यार मैं आ सीन बहुत वधिया किया, पर किसी को याद नहीं रहना कि आके निकल गया। फिल्मां च मैनू लगता है कि वो चीज़ नहीं होंगी, वो थोड़ी रिकॉल वैल्यू एक सीन की या किसी भी चीज़ जिहड़ी तुसीं छाप, मतलब जिहड़ी एक बारी आ गई ना, जिहड़ी एक बारी छप गई, वो हमेशा लिए हो जाती है, लाइक फॉर एवर। तो आ गल मैं फिल्मों बारे बहुत वधिया लगती है, एंड आई एम रियली रियली इंजॉइंग जिहड़ा मैं अज काम कर रही हूं। या दैट्स वंडरफुल, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क बाय द वे। आप तो हैं ही लेजेंड, किंग ऑफ कॉमेडी। मैनू ये कह के कि बुजुर्ग जी महसूस हो रहा है, लेजेंड थोड़ी बुजुर्ग हो जाते हैं। मैनू ही लगता मैं डांग घर भूल आया। पर कैसी आपकी जर्नी कैसी रही है, और यहाँ अब पंजाबी फिल्म कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? देखो गल यह है कि जिहड़ा ना जी पंजाबी मूवी दा कहना कि पंजाबी मूवी लैंग्वेज प्रॉब्लम आर्टिस्ट दी नहीं हुंदी, लैंग्वेज प्रॉब्लम व्यूअर्स दी हुंदी है। अगर आमिर खान दी फिल्म चाइनीज़ विच डब हो के तो उतों कई 100 करोड़ कमा सकती है, चाइनीज़ डब हो के। इट्स मीन जिहड़ी लैंग्वेज है फिल्म दी, वो व्यूअर्स दी प्रॉब्लम। तो असी चुके पंजाबी हाँ, दिलजीत साहब भी पंजाबी ने, सरगुन जी भी पंजाबी ने, इस वास्ते सानू पंजाबी दा खुद भी ज़्यादा मज़ा आंदा है करन दा। वैसे तो इन्होंने उर्दू फिल्मां भी कीतियां ने, इन्होंने टेलीविजन बेशुमार कीता है उर्दू भी, और उर्दू वर्क होर भी कीता है, तो वही लोगों ने पसंद कीता है। पंजाबी दे नाल हुण जिहड़ी है जुड़त है इन्हां दी सारियां दी और मेरी भी, वो यह है कि पंजाबी दे नाल सानू मुहब्बत इस गलों है कि साड़ी माँ बोली है। तो वेखण वाले वास्ते भी मैं गल जरूर करांगा कि अपनी माँ बोली दे नाल प्यार जिहड़ा है वो इस तरह ही है जिवें तुसीं अपनी माँ नाल प्यार कर रहे हो। तो जिहड़े लोग बीबे हुंदे ने ना, वो माँ प्यो नाल प्यार करदे। तो हर कौम नू ये चाहीदा है अपनी लैंग्वेज नाल प्यार करन, उन्होंने प्रमोट करन, उन्होंने इंटरटेनमेंट या उन्होंने दूसरे मीडियम्स दे विच प्रमोट किया जाए। तो असी इस गलों लकी हाँ कि मैं अपने आप को लकी समझना कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हाँ, क्योंकि मैं आके इत्थे देखिया कि ये बनाने वाले जिहड़े ने फिल्म मेकर, जिन्हों असी प्रोड्यूसर कहने, और जिहड़े artists ne, including my hero and heroine, they all are love with Punjabi. चूँकि सारे पंजाबी ने ते वो इंशाल्लाह वो तुहानूं नज़र भी आएगा स्क्रीन दे उत्ते। ते मैं ते बस लगा आ मेहनत करन दे आ, हुण मैं अपनी जिंदगी दा तुहानूं की दस्सां। लगे आ, मौका मिलदा इहो जिहा अच्छा भी और जिहड़ा मैं समझना कि मेरी लाइफ दा है सब तो सुपर हैगा ये मौका कि मैं दिलजीत दोसांझ जी दे नाल और सरगुन मेहता जी दे नाल काम कर रहे हैं। मैं खुद इन्हां दा बड़ा फैन हाँ तो जिंदगी जड़ी है वो अच्छी लगन लग पई है। उनके फैन उनके गाने के हैं या उनकी एक्टिंग के? इन्हां दी हर चीज़ दा फैन हां सीरियसली। इन्हां दे एक्टिंग ते जड़ी है सिंगिंग उदी तो पूरी दुनिया इसलिए लव कर रही है इन्हां नाल और साडे अपने जिहड़े बच्चे ने मैं 43 को फोटोआं ते मैं हाथ जोड़ के खिचवा चुके भाजी ऐवें करा गया ते सारे लव करदे ने। मगर मैं इन्हां दा हुण बिहेव दा भी बड़ा फैन हाँ। बीइंग मैन एक ह्यूमन बीइंग दे नाते मैं समझना कि बड़े प्यारे और बड़े ही खूबसूरत इंसान ने। ये एक चीज़ सही बात है वैसे जो आपने बोली है दिलजीत, आपके इतने सारे फैंस हैं और फिर भी आप इतने हम्बल कैसे हैं? एकदम डाउन टू अर्थ और हम्बल। इतना हिट हो के भी तुसी क्यों नहीं आकड़े ये पूछना चाहते? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा और डिफिकल्ट पूछती हूँ एक। गाना ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है या मजा ज्यादा आता है या एक्टिंग? नहीं तो सौखा ही ऑब्वियसली गाना जी। हाँ एक्टिंग वो ज्यादा अच्छा। एक्टिंग एक होर क्राफ्ट है वो असी सुहेल सर नूं कह सकते हैं। सरगुन जी का पूरा जो अपना इन्हां दा पूरी लाइफ है एक्टिंग नूं समर्पित है। सुहेल सर जी की जी लाइफ वो एक्टिंग नूं समर्पित है। किन्ने तुसी मेरे नालों ज़्यादा तुसी जानते हो किन्ने रोल उन्होंने किन्ने डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर्स कीते ने ते और हर करैक्टर्स नूं लोग पसंद करते हैं। सर दा जिहड़ा प्रोग्राम आउंदा हफ्ते 4 बारी वो च मतलब प्रोग्राम 4 बारी आउंदा ते 20 बारी अपना गैटअप चेंज करके उहदे चलना वो जो बोलते हैं वो पता नहीं किद्दां इन्नी छेती कौन आर्टिस्ट इद्दां तैयार कर सकता है। तो सच्ची कोई परमात्मा की कृपा है इस करके कर रहे हैं। तो सरगुन जी ने कितनी डिफरेंट डिफरेंट फिल्में की हैं अपने जो उन्होंने जो एक्टिंग का मैं यार एक्टिंग भी की है अब प्रोडक्शन में भी जा रही है। हाँ ये तो मतलब कौन लिखी भी जाती है। और हमने सुना आपको गाना भी गाने का भी शौक है। और जी और हाँ सुन ले क्या यहीं पे सारे डुएट आ रहे हैं। मैं बात अभी उसका एक टीजर दे दीजिए कॉन्सर्ट का। अच्छा चलो मूवी के बारे में मुझे बताइए अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद यू। मेरा बड़ा लालची जिहा करैक्टर है फिल्म दे विच। ट्रेलर में बहुत मज़ा आया मुझे। जी थैंक यू जी। सो बट एक्चुअली असी उहदे बारे कहना की चाहुंदे आ वो इदां ही कहा जा सकता सी नहीं तो बहुत सीरीयस हो जानी सी गल क्योंकि काफ़ी सीरीयस फिल्म है ते पर इहदे ते जिहड़ी लेयर आ वो कॉमेडी दी है। नहीं सच्ची एक गुड मैसेज है एक बहुत ही एक इदां दे पहलू नूं टच करदी है फिल्म। तुसीं हसोगे भी इंजॉय भी करोगे बट बैक इन द माइंड थानू पता भी लगता रहूगा कि हाँ यार एक ही कहना चाहते हैं। एंड फाइनली जिस नोट पर जाके फिल्म कंप्लीट किया अमरजीत भाजी ने आई थिंक बहुत ही प्यारा एक मैसेज बच्चों लिए फैमिलीज़ लिए इस फिल्म दे विच है। आपके कैरेक्टर के बारे में? प्रीत नाम है जी कैरेक्टर का तो ओल्ड इज गोल्ड नाम का एक ओल्ड एज होम रन करते जिथे आ सारे रहिंदे ने तो उत्थे इन्हां दी एंट्री साडी जिंदगी बदल दिंदी है। तो किवें बदल दिंदी है तुसीं देखोगे 5 अक्टूबर नूं। ओके और सर जी मेरा एक बुजुर्ग दा रोल है जिहड़ा इन्हां दे ओल्ड होम विच सरगुन जी दे ओल्ड होम विच रह रहा तो उत्थों लै जांदे आ दिलजीत साहब ते मैं मतलब सेव हत्थां च ही हां उत्थे भी ते उत्थे भी ते रोल जिहड़ा ना जी ये बड़ा अच्छा है बहुत अच्छा है डिफरेंट रोल है। फर्स्ट टाइम मैनू भी ये रोल करना नसीब होया कि ये परफॉर्मेंस हो रहा है मतलब डिफरेंट रोल करन दा खास सारा आर्टिस्ट नूं हुंदी और मैनू भी है ते एक अलहदा रोल है मैनू इस गल्ल दा बड़ा मज़ा आया है। ये मतलब तुसीं इहनूं कह सकदे हो कि एक परफॉर्मेंस वाला रोल है जिहड़ा कि कॉमेडी दे नाल 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 एक बड़ा अच्छा लैसन दे रहा है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इनू संभालिया बहुत अच्छा है। साडे सारियां दे करैक्टर नू अमरजीत सिंह साहब जोड़े प्रोड्यूस डायरैक्टर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज नाल उन्होंने इनू किया है। और नरेश कथोरिया साहब जिन्होंने फिल्म लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है, हर डायलॉग ते बकायदा मेहनत हुई है। इस गलों मैं तो सिर्फ अपने रोल नू ही नहीं सा इंजॉय कर रहा, मैं बाकी सारे दे रोल नू भी इंजॉय कर रहा। ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया पिक्चर लग रही है। ऑफकोर्स कॉमेडी का लेयर है जैसे आप बोल रहे थे, कलरफुल भी लग रही है। तो मुझे आपके जब आप शूट कर रहे थे और सेट पर ऐसे कोई ऐसी इंसिडेंट है जो कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जो आपको याद है, जो आप पहले पता होता ना सवाल बहुत होना तो मैं 2-3 बार डिग पैना। सुबह से आप बता रहे हैं सबको, हमें एक बार फिर से बता। हम सुबह से सबको ये बता रहे हैं कि हमसे सवाल ना पूछिए क्योंकि साढ़े को सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब ये ना वाकयात कई होए होने ने, सीरीयसली कोई ऐसा इंसीडेंट छोटे छोटे होने ने जेडे याद रखने वाले सन, मगर ये मेकिंग इन्नी हावी सी सारिया के जेना के उत्ते और सब के दिलों च कि वो इंसीडेंट कोई याद ही नहीं किसी को। वो याद है कि सीन करते सां पै तो डायरैक्टर नूं लग फील होया कि थोड़ा ड्रैग तो नहीं, फिर सारे बह गए ने और फिर सारे फिल्म 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 सारा दिन फिल्म ही होंदी रही है। इस वास्ते कोई ऐसा इंसीडेंट जिहड़ा इहदा सब तो अहम इंसीडेंट है ना जी इस शूटिंग दा, ओह यही है कि बाबे भंगड़ा पाते हैं। ये हुण 5 अक्तूबर नूं लगेगी इंशाअल्लाह। हाँ, और हम सब देखेंगे उसे। बहुत शुक्रिया। जाते जाते मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना दिलजीत, ये हमेशा से मैं क्वेश्चन मेरे दिमाग में रख के बैठी थी, जब आपसे मिलूंगी तो पूछूंगी, आपको फैशन किंग भी बोलते हैं, तो फैशन की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं फैशन थी, बस सिर्फ थोड़ा 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 जिहा लाउड दिखण लई, क्योंकि जदों तुसीं जिस बिजनेस तुसीं हैगे उस बिजनेस उदां दा काम करना पैंदा, राइट। जे मैं कहां तो बिजनेस मेरा होर तो मेरा सुभात काम वो तो चलो सुभाव मेरा होर हो सकता, पर मैं दिखाउण नूं तां ऑबवियसली मैनूं ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ। ਜੋ ਪਹਿਨਤੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ। सरगुन, आप आपके बारे में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा शायद, अपने बारे में ऐसा कोई रूमर है जो आपने मतलब सबसे बड़ा रूमर कोई आपको सुन के लगा हो ये कहां से आया, ऐसी अफवाह? कोई मेरे बारे अफवाह ही नहीं उड़ी सच में नहीं हो सकता। हाँ, की अफवाह उड़ोगी? आप सोच के बताइए, आपने सुनी हो शायद इनके मुतालिक, इनके बारे में। इनके मुतालिक अफवाह मैं तो इनको पर्दे भी देखता रहा हूँ तो मुझे तो यही अफवाह इनके मुतालिक याद है। ये बड़ी नेचुरल और अच्छी परफॉर्मर है, अपने काम को बड़ा सीरियसली और बड़ा कमिटेड होके करती है। वो तो फैक्ट है, वो तो सच बात है। बाकी अफवाह की फैलनियाँ नहीं सीधा काम ही करी जा रहे है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। पर थैंक यू सो मच आपको, यू नो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इस मूवी के लिए, और बहुत अच्छी लग रही है और हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।